तैयार हो जाओ दोस्तों उस शेर की एंट्री के लिए जिसने 2019 में बवाल मचा दिया था। जी हां, आप सभी दर्शकों का पहले तो स्वागत है चैनल टेली खजाना में। आप लोगों को अब बताऊंगा कि कैसे किंग ऑफ रोमांस शाहरुख साहब पठान जवान डंकी के एक्टर मेन लीड अब 2024 में करेंगे डिज्नी की ये फिल्म। एक्चुअली 2023 में ही वो करेंगे लेकिन आएगी ये 2024 में जुलाई में। कौन सी फिल्म है, क्या है ये और कैसे वो शेर बनते हुए नजर आएंगे, सुनिए ये बात। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो धनादन कर लीजिए। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो डिज्नी की लाइव एक्शन एक फिल्म आई थी जिसका नाम था द लायन किंग। जी हाँ, 2019 का वंडर द लायन किंग, जिसने कि किंग खान को एक अलग लेवल पे पहुंचाया, एक अलग परचम किंग खान का हो गया था। लायन किंग की अगर बात करें दोस्तों तो इस पर्टिकुलर फिल्म में शाहरुख साहब ने जो आवाज दी थी, आशीष विद्यार्थी ने जो आवाज दी थी वो जबरदस्त थी। और इनफैक्ट जब बेटा बड़ा हो जाता है और वो बन जाता है सिम्बा, बड़ा हो जाता है और उसकी आवाज दी थी नन अदर देन आर्यन खान ने। अब दोस्तों डिज्नी ने एक नई फिल्म, आज ही के दिन ये बात सामने आई है कि डिज्नी ने मुफासा द लायन किंग इस तरीके का एक प्रीक्वल तैयार करने का सोचा है। फर्स्ट में तो हमने देखा था कि किंग खान का जो किरदार है वो बच्चे को बचाते बचाते यानी कि सिम्बा को बचाते बचाते शहीद हो गया था, मर गया था। और अब आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यहां पर मुफासा की जो ग्रेट स्टोरी है, मुफासा के किंगडम में जिस तरीके से मुफासा ने राज किया, जिस तरीके से दुश्मने को खदेड़ कर, वो जो लकड़बग्घे थे उन लोगों को खदेड़ कर उस काली घाटी में बंद कर दिया था, ये सब दिखाया जाएगा, उसकी महानता दिखाई जाएगी। और साथ ही साथ उसका भाई किस तरीके से उसके अगेंस्ट चला गया ये भी बातें बताई जाएंगी, और उसके भाई ने उससे पहले क्या क्या प्लानिंग प्लॉटिंग करी थी। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो वहां पे उसके भाई ने ये बात बोली थी कि भाई ये बात बोली थी कि मैंने पहले भी कोशिश करी थी, अब पहले क्या कोशिश करी क्या नहीं लेट्स सी। लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड, 2024 में ये फिल्म रिलीज होगी, लाइव एक्शन फिल्म मुफासा द लायन किंग, और डिज्नी ने ही अनाउंस कर दिया है। सो देखते हैं, इंटरेस्टिंग रहेगा। बच्चों खुश हो जाओ, बड़ों खुश हो जाओ, शाहरुख साहब के फैंस खुश हो जाओ, क्योंकि अब हम किंग को रोर करते हुए देखेंगे। सो यस, चलता हूं मैं, अपना ख्याल रखिए और इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है ये भी बताएं। चलता हूं, बाय बाय।